हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नूब गेमिंग। आज हम आपको पांच बेस्ट असोल्ट राइफल्स बताने वाले हैं पबजी मोबाइल के अंदर की। बेस्ट फाइव असोल्ट राइफल्स कौन सी होती है, जो जैसे पबजी मोबाइल जो भी लोग खेलते होंगे उन्हें पता होगा कि बहुत तरह की गन होती है गेम में, जैसे सब मशीन गन, लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल्स, पिस्टल, असोल्ट राइफल्स, मिली वेपन्स एंड बहुत सारी गन। और जब हम बात करते हैं फायर पावर की, दिस असॉल्ट राइफल ऑलवेज गेट एन अपर हैंड इन क्लोज एंड मिडल रेंज कॉम्बैट। जब भी हम बात करते हैं फायर पावर की तो असॉल्ट राइफल्स हमेशा एक कदम आगे रहती है लोअर रेंज में और मिड रेंज में। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बेस्ट फाइव असॉल्ट राइफल्स हमारी कौन सी है। तो फिफ्थ नंबर पर हमारी असॉल्ट राइफल आती है, जो कि है हमारी AKM। हमारी फिफ्थ नंबर पर क्यों आती है, क्योंकि जो AKM होती है हैज द जॉइंट हाइएस्ट सिंगल शॉट डैमेज, कि जो इसका जॉइंट, जो भी हम इसके वो अटैचमेंट होते हैं जब ज्वाइन करते हैं तो इसका हाइएस्ट डैमेज होता है ऑल द असॉल्ट राइफल्स अलोंग विद द ग्रोजा का छोड़ के। तो ये मिड रेंज में और क्लोज रेंज में बहुत बीस्ट गन बन जाती है। जो इसकी फायरिंग स्पीड होती है वो दो मोड में आती है, सिंगल में और ऑटो में। जो इसका हिट डैमेज होता है वो होता है 49 का, अगर एक गोली मारोगे तो 49 का डैमेज हो जाएगा अगर हेड पे मारोगे तो। जो रिलोडिंग टाइम है वो होता है इसका 2.9 सेकंड का होता है। और जो बॉडी को हिट इंपैक्ट पावर देती है वो होती है 10,000 की, और जो इनिशियल बुलेट स्पीड होती है वो होती है 715 की। तो इसके अगर आप AKM कुछ बेनिफिट भी होंगे इस गन के, तो पहले प्रॉफिट देखते हैं। अगर आप AKM यूज कर रहे हो तो उसका हाईएस्ट डैमेज होगा, कब हाईएस्ट डैमेज होगा उसका, जब आप क्लोज रेंज में फिर मिड रेंज में यूज कर रहे हो। और यही इसका एक एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि कंट्रोल करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जो इसका फायरिंग स्पीड होती है वो बहुत लो होता है बाकी जो चार हमारी असॉल्ट राइफल्स हैं उनके मुकाबले में। तो इसके बाद आते हैं हम बैरल कह सकते हैं आप उस गन को, या फिर M762 कह सकते हैं। जब भी 7.62 MO की बात हो रही है और बैरल का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। जब भी 7.62 MO की बात हो रही हो तो टॉप थ्री गन में बैरल का नाम हमेशा आता ही आता है। ये इसका एक एक्स फैक्टर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है। जो इसका फायरिंग स्पीड आता है वो तीन मोड में आता है, सिंगल मोड में, ब्रस्ट मोड में और ऑटो मोड में। जो इसका हिट डैमेज होता है वो होता है 47 का, रिलोडिंग टाइम होता है 2.9 का, जो बॉडी को हिट इंपैक्ट करती है वो होता है 10,000 का, जो इनिशियल बुलेट स्पीड होती है वो होती है 715 मीटर पर सेकेंड। इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे। एडवांटेज क्या है इसका, हाई फायरिंग स्पीड। इसका जो फायरिंग स्पीड होता है वो बहुत हाई होता है। अटैचमेंट कंपैटिबिलिटी, जो इसके अटैचमेंट होते हैं बहुत ईजिली मिल जाते हैं, तो ये अटैचमेंट कंपैटिबिलिटी भी होता है। और इसके कुछ नुकसान भी होंगे। इसका क्या होता है, हाई रिकॉइल होता है और मैगजीन एंडिंग टाइम, मतलब मैगजीन एनी टाइम ड्यू टू हाई फायरिंग स्पीड द मैगजीन ऑफ M762 कंसिस्ट ऑफ 30 बुलेट विदाउट एक्सटेंडेड मैग। मतलब समझे आप, मैं समझाता हूँ। जैसे किसी गन का हाई फायरिंग स्पीड है तो उसकी गोलियां भी ज़्यादा जल्दी खाली होगी, तो इसका मतलब क्या है, तो उसको जल्दी जल्दी रिलोड करना पड़ेगा। तो इसका एक नुकसान है कि उसका जो मैगजीन है जल्दी ख़त्म हो रही है। तो हमारी जो थर्ड नंबर पर गन आती है वो आती है OG A3। जो ये OG A3 होती है ये एयर ड्रॉप में मिलती है या फिर फ्लेयर ड्रॉप में मिलती है। ये कंट्रोल करनी इजी होती है इसलिए इसे हमने थर्ड नंबर पर रखा है। जो इसकी फायरिंग मोड आता है वो दो मोड में आता है, सिंगल मोड में और ऑटो मोड में। जो इसका हिट डैमेज होता है वो होता है 43 का, रिलोडिंग टाइम होता है जो इसका होता है 3.66, थोड़ा ज़्यादा है, तो इसने हमें थर्ड नंबर पर रखा है। बॉडी हिट जो इम्पैक्ट होता है 9,000 का, जो इनिशियल बुलेट स्पीड होती है वो 940 की, जो इसकी स्पीड होती है बहुत फास्ट होती है, इसलिए इस गन को हमने नंबर थ्री पर रखा है। तो इसके भी कुछ बेनिफिट होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो बेनिफिट क्या है, इजी टू कंट्रोल, ये बहुत जल्दी कंट्रोल होती है, इसकी रिकॉइल बहुत इजी से कंट्रोल कर सकता है कोई भी बंदा। फ्यूअर अटैचमेंट रिक्वायर, इसमें बहुत कम अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो अब नुकसान सुन लीजिए आप इसके, ये सिर्फ ड्रॉप में अवेलेबल होती है, ऐसे घर में नहीं मिलेगी आपको। जैसे आप लूट रहे कोई घर, वहाँ नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको ड्रॉप में, एयर ड्रॉप में मिलेगी गन आपको। और जो इसका लोडिंग टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 3.66 होता है इसका लोडिंग टाइम, तो बहुत ज़्यादा लोडिंग टाइम है इसका। तो जो हमने सेकंड पे अपनी गन रखी है, हम कन्फ्यूज थे कि इसे फर्स्ट पे रखें या सेकंड पे रखें, तो हमें मजबूरी में इसे सेकंड पे रखना पड़ा। तो सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी है, M416।
तो इसका जो फायरिंग मोड होता है वो होता है दो मोड में आता है, सिंगल मोड में और ऑटो मोड में। जो इसका हिट डैमेज होता है वो होता है 43 का। जो रिलोडिंग टाइम आता है वो होता है 2.1 सेकेंड का। जो बॉडी को हिट इम्पैक्ट पावर देती है वो होती है 3500। और जो इनिशियल बुलेट स्पीड होती है वो होती है 880 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद आती है हमारी सबसे ताकतवर गन या फिर सबसे पावरफुल गन असोल्ट राइफल्स में, तो मोस्टली जानते होंगे कि कौन सी हमारी, तो उसका नाम है ग्रोजा। तो ग्रोजा हमने फर्स्ट पे क्यों रखी है? जो इसका सिंगल डैमेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 49 होता है। जो ग्रोजा है वो किलिंग मशीन हो जाती है क्लोज रेंज में और मिड रेंज में, इसलिए हमें इसे नंबर 1 पर रखना पड़ा। जो इसका फायरिंग मोड आता है वो दो मोड में आता है, सिंगल में और ऑटो में। जो इसका हिट डैमेज होता है तो 49 का, जैसे हमने बुक पर आपको बताया। रिलोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है 3 सेकेंड का। जो बॉडी को हिट इम्पैक्ट पावर होता होता है 10,000 का। और जो इनिशियल बुलेट स्पीड आती है वो होती है इसकी 715। तो इसकी एडवांटेज क्या है? हाई डैमेज है और इनबिल्ट वर्टिकल फोर ग्रिप है इसके अंदर। इनबिल्ट वर्टिकल फोर ग्रिप है। जब भी आप ग्रोसर यूज़ करोगे तो उसके अंदर देखोगे आपको दो ही चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, एक्सटेंडेड मैग या फिर सप्रेसर ऑफ एआर गन। ठीक है, तो कुछ नुकसान भी होंगे ग्रोजा के, तो क्या नुकसान है? ये सिर्फ एयर ड्रॉप में ही मिलती है या फिर फ्लेयर ड्रॉप में मिलती है। जो इसकी जो अटैचमेंट होती है वो कंपेटिबल होती है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी गन चूज कर सकते हो। हमारे 6 नंबर पे जैसे हमने रखी है, रखी नहीं है मतलब, जैसे कह सकते हो आप 805 तो है ही। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो स्कारल M16A4। इनका भी क्लोज रेंज में और मिड रेंज में बहुत अच्छा डैमेज देती है गन भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बने, जैसे कि टॉप 5 असोल्ट राइफल्स, टॉप 5 शॉर्ट गन्स या फिर बेस्ट पिस्टल्स या फिर और कुछ चाहते हो आप, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो हम उस टॉपिक पे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।